वाले भैरव बाबा को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश। मैं आज आप सभी को गुरु और गुरु कृपा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे गुरु ने दिया हुआ मेरा एक छोटा सा नाम है केदारनाथ। सभी को मेरा प्रणाम और जो भी गुरुजन मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमन। गुरु, गुरु कृपा। गुरु जी के बारे में कहाँ से शुरू करूँ वो नहीं मालूम मुझे। जैसे जैसे कि शिव जी को शुरुआत का कोई भी बता नहीं सकता। सबका अपना अपना एक अलग नज़रिया है। शुरुआत से अनंत काल तक खत्म ना होने वाली शक्ति, वैसे ही होती है गुरु कृपा। कहाँ से शुरुआत होती है कोई ठीक से बता नहीं पाता, और अनंत काल तक युगों युगों तक चलने वाली। गुरु आपके जीवन में क्या है मुझे नहीं पता। आपके जीवन में गुरु कृपा है या नहीं कितने को तो ये भी नहीं मालूम होता है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूर्वजों से आपको सब कुछ मिल रहा है और उसमें आप खुश हो, उसमें वृद्धि हो रही हो और जीवन में सभी मुसीबतों के बावजूद आप आसानी से उसमें से बाहर आ पा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों ने उनके गुरुजों को सिद्ध करके खुश करके रखा होगा। और यही होती है गुरु कृपा, जिनकी कृपा से आपका कुल युगों युगों तक तैर जाता है। अगर आपने जीवन में गुरु कृपा पाली है तो समझ लीजिए कि आपके साथ आपका कुल भी इस समय चक्र में तैर जाएगा। जिनके भी जीवन में गुरु ज्ञान होता है उनके जीवन में शांति, संतोषता और शक्ति गुरु कृपा से आती रहती है। आपके जीवन में आपको कहाँ से शुरुआत करना है वो गुरु जी आपको अच्छी तरह से बता पाते हैं। जीवन में हम कई बार मुश्किल समय में परेशानियों में फंस जाते हैं, तब हमारी मुसीबत बढ़ जाती है। हमारी मति भी हमारा साथ नहीं देती, हमें समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है उस वक्त। वैसे कठिन समय पर अगर हमारे पास गुरु ज्ञान है तो वो हमारा मार्गदर्शन अवश्य ही कर देंगे। जीवन काल में कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा दिमाग कुछ और दिल कुछ और बताता है। वैसे तो ताज्जुब की बात है कि वो दोनों ही बातें हमें सही लगती है। वैसे में अगर हमारे पर गुरु कृपा है, गुरु दृष्टि है, तो वो हमें सही मार्ग का ज्ञान करवा देते हैं। मेरी बात मानो तो हमारे अघोर पंथ में हमारे पास बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम बार बार गुरुओं से नहीं पूछ पाते, वैसा समय भी नहीं होता। तो मैं मन ही मन में उन्हें पूछ लेता हूँ और मुझे किसी ना किसी माध्यम से उनका जवाब मिल जाता है। इसे गुरु कृपा कहते हैं। और एक बात से मैं आपको समझाता हूँ। महाभारत युग की आप सभी को पता होगा कि तब सबसे बड़े धनुर्धारी कौन थे, गांडीवधारी श्री अर्जुन जी, है ना? पर क्या आप सब जानते हैं और भी सक्षम धनुर्धारी तब थे, जैसे एकलव्य जी, और भी थे जैसे श्री अंगराज कर्ण। ये ऐसे धनुर्धारी थे जो कि धनुर्विद्या में श्री अर्जुन जी से कम नहीं थे, पर फिर भी सर्वश्रेष्ठ हुए श्री गांडीवधारी अर्जुन जी। क्यों? गुरु कृपा, गुरु आशीष।
ये था श्री अर्जुन जी के पास। उसी वजह से उन्हें देव कृपा भी प्राप्त हुई और वो हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। अगर आप सनातन धर्म से हो तो आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिला हूँ जो कहते हैं कि हमें गुरु क्यों बनाना है, हमको तो शिव मिल जाए बस जीवन सफल हो जाए। पर उन तक शिव तक पहुंचने के मार्ग में आपको काफ़ी कठिनाइयाँ परेशानी आएगी और ना जाने कितने लोग जीवन काल में उस कठिन परिश्रम से नहीं निकल पाते, क्योंकि उनमें से निकलने का मार्ग उनका हल उनके पास नहीं होता है। वैसे कठिन समय में अगर आपके पास गुरु है तो वो अवश्य ही आपको उससे निकलने का सही मार्ग बता पाएंगे, क्योंकि उस मार्ग पर वो पहले से ही चल चुके होते हैं, इसलिए उन्हें पता होता है। ये होती है गुरु की कृपा। मेरे जीवन में मैंने गुरु कृपा महसूस की है। मैं आपसे कोई बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा कि मेरे जीवन में कोई चमत्कार हुआ या कुछ भी और, पर मेरे जीवन में एक शांति आ गई है। पहले मैं अघोर, तांत्रिक ये सब शब्द सुनता था तो सोचता था, क्या ये सब सही में कुछ होता है, क्या ये सब सही में है, बहुत सारे प्रश्न चलते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े गुरु से दीक्षा ले पाऊँगा। मैंने जिस दिन से दीक्षा ली है तभी से मेरे जीवन में धीरे धीरे अनेक अच्छे परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। मन को ऐसा महसूस होता था कि कोई है जो मेरे साथ है पर सामने नहीं आ रहा है, शायद यही गुरु कृपा है। गुरु कृपा से मुझे एक अच्छी दिशा प्राप्त हो गई है। इस मार्ग में मैं कहाँ तक जा पाऊँगा और क्या पाऊँगा वो तो बस मेरे गुरुदेव को ही पता, पर कुछ पाओ या ना पाओ, मन को एक संतोष है कि जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने का मिल रहा है। पहले मेरे जीवन काल का समय काफ़ी निर्थ चला जाता था, अब ऐसा लगता है कि जीवन का हर पल कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों में उपयोग हो रहा है। दिन भर में जो कुछ भी क्रिया कर्म करता हूँ उससे मुझे संतोष है, ऐसा मन को शांति मिलती है कि आज का समय कुछ अच्छे कार्य करने में बीता। मेरे जीवन में पहले बहुत सारे मित्र थे, मुझे पता नहीं था उनमें से मेरा हित कौन चाहता है और मेरा अहित कौन सोचता है, पर गुरु कृपा से मेरे जीवन में वे सभी रिश्ते जिन्होंने मुझे अपने फायदे के लिए उनके जीवन में रखा था वो सभी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गए बिना किसी मतभेद के। अभी मेरे जीवन में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम मित्र हैं, पर ये सभी मुझसे जुड़े हैं बिना किसी मतलब के, जो सिर्फ मेरा हित चाहते हैं। पहले मेरी लाइफ एक कंपटीशन की जैसी थी, हर वक्त लगा रहता था कि मुझे ये करना है, वो पाना है, ये होना चाहिए, लेकिन अब गुरु कृपा से मुझे किसी भी कंपटीशन में उतरना नहीं पड़ता। जान चुका हूँ कि सब कुछ प्राप्त कर लूँगा अगर गुरु दृष्टि मुझ पर रही तो। मेरी मानो तो अगर आप लोग नए हो, आप लोग के पास गुरु नहीं है और आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले अपने धर्म के प्रति आपकी कुछ भावना होनी चाहिए।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक मित्र मुझे व्हाट्सएप पर कुछ रामायण के जोक्स फॉरवर्ड कर रहा था। मैंने उसके आंसर में उसे क्वेश्चन मार्क का मार्क भेजा। 2-3 दिन के बाद उसने मुझे फिर से रिप्लाई किया कि ये बार बार तू मुझे क्वेश्चन मार्क का मार्क क्यों भेज रहे हो। तब मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे पूछा कि 2-3 दिन से मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि तुम कितने बड़े महान होंगे जो हमारे इतने बड़े ग्रंथ रामायण पे जोक फॉरवर्ड कर रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। मित्र था तो मैंने ठीक तरह से उससे समझाया, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको झगड़ा करना है, हर बात प्रेम से समझाओ तो कोई भी समझ पाता है, ठीक तरह से समझाना आना चाहिए। हमारी बात हुई, वो समझा और फिर मैंने वो भी उसे समझाया कि वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें उस इंसान को समझाना है जिसने तुम्हें ये जोक्स फॉरवर्ड किए थे। वैसे ही धीरे धीरे अगर आप धर्म के प्रति अपना दिल में कुछ जागरूक कर पाओगे तो तुम धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे। यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ज़्यादा तो कुछ और नहीं कहूँगा, ज़्यादा कुछ और बोल भी नहीं पाऊँगा क्योंकि विषय बहुत मेरे लिए बड़ा है। क्योंकि गुरु के बारे में बोलना मतलब जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान था वो आज मैंने आप सभी से बांटा। अब आगना चाहूँगा, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, माँ भगवती को लख आदेश।